हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम सिंह प्रजापति, आज हम आप लोगों को खेत में ले जा रहे हैं, जो कि खेत का वीडियो दिखाने। और हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश मेरा राज्य है और ज़िला प्रयागराज है। प्रयागराज के पावन धरती से मैं राम सिंह प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है महादेव ऑफिशियल प्रयागराज। और मैं अभी इस समय खेत में हूँ और खेत का कुछ फसलें दिखाने वाला हूं कि हमारे गांव में कौन कौन सी फसलें होती हैं तथा क्या क्या अभी फसल बोई गई है। तो हम सीधा आपको ले चल रहे हैं अपने गांव के खेत की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूं। और जो है अभी जो हमारे गांव में जो खेत है वहां पर आलू और मटर और मूली, टमाटर, सरसों, आलू सभी प्रकार की यहाँ पर फसलें बोई गई हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और हमारे यहाँ सिंगेपुर धाम, जो कि बहुत ही माना जाना धाम है, तो वहाँ पर भी मैं आपको बहुत ही जल्द वहाँ का भी टूर कराऊंगा। और जो है संगम का भी वीडियो आने वाला है आपके पास, जो कि मैं संगम का वीडियो बनाया था, अभी अपलोड नहीं किया हूँ, तो बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में संगम का भी वीडियो आ जाएगा, जहाँ पर हमने जो है मीडिया वालों से भी बात की है और कुछ बाबाओं से बात की है, तो सारी वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ खेत में, आप देख सकते हैं। और ये है मटर की फसल बोई गई है और आलू की भी फसल बोई गई है। और जो है अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितनी सुंदर और कितनी अच्छी मटर की फसल है हो रही है, और मटर भी बहुत ही अच्छी फरी हुई है। तो सीधा मैं आपको बैक कैमरे से पहले एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं मटर की फसल यहाँ पर, देखिए मटर फरी हुई है, जो कि अभी यहाँ पर तुड़ाई हो चुकी है, जो कि डेली यहाँ पर दो चार बोरी यहाँ पर मटर की तुड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं लहसुन की फसल बोई गई है, जो कि यहाँ पर लहसुन लगाया गया है, और ये लहसुन है। और यहाँ पर देख सकते हैं धनिया की फसल जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पर धनिया की फसल हो रही है, जो कि हमारे गांव के ही हैं, जो कि पटेल हैं, जो कि हमारे जो पटेल भैया जी हैं उनका नाम है, उनके लड़के का नाम है अर्जुन और भैया जी का नाम, जो कि गांव में गुद्दुन बुलाते हैं, और उनका भैया जी का दूसरा नाम है, तो भैया जी का यह फसल है। और यहाँ पर देख सकते हैं धनिया की फसल बहुत ही अच्छी है और हो रही है। और आगे चल के हम आपको दिखाते हैं टमाटर की भी फसल बोई गई है, और यहाँ पर टमाटर के फसल के साथ साथ यहाँ पर कुहड़ी का भी जो है बंदोबस्त किया जा रहा है, जो कि बीच बीच में मटर की फसल में आप देख सकते हैं मटर की फसल में बीच बीच में कुहड़ी बोई गई है। तो कुहड़ी की भी फसल, मटर जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो है कुहड़ी तैयार होने लगेगी। और देख सकते हैं ये बगल में चारों तरफ आप यहाँ पर जो है मटर की खेती है, और ये बगल बगल में आपको सरसों की खेती, जो कि पियरा सरसों की खेती है, और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर मूली की फसल लगाई गई है, जो कि मूली बोई गई है, और उसी मूली में आपको टमाटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा टमाटर का व्यू भी देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है भैया जी का ये समरसेबुल है, जो कि इसी से सिंचाई होती है इसकी। और यहाँ पर थोड़ी ही दूर में यहाँ पर आपको चना मिल जाएगा, जो कि काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपने खाने के लिए यहाँ पर चना लगाया गया है, जो कि यहाँ पर चना बेचा नहीं जाता है, ये अपने खाने के हेतु लगाए हैं। और यहाँ पर बीच में पालकी भी बो दिए हैं। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है छोटे से खेतों में बड़ी बड़ी फसलें लगाई गई हैं, जो कि सभी प्रकार की फसलें हैं। और ये देख सकते हैं मटर कैसा फड़ा हुआ है, काफ़ी शानदार मटर है और काफ़ी अच्छा है, और एक बार हम इसे तोड़कर देखते हैं और इसे खाने की कोशिश करते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मीठी इसकी फसल है, तो इसे हम पहले खा के देखते हैं कैसा मीठा है या फिर नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है मटर, जो कि मीठी मटर है, जो कि ये चाइना मटर है, देसी मटर नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा खाने के बाद। और जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के ही रहने वाले हैं, तो गांव की ही वीडियो लेकर आएंगे ज़्यादातर। और कहीं घूमने पर जाते हैं तो वहां की भी वीडियो ज़रूर लाएंगे। और मेरा जो न्यू चैनल है, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल है और मैंने बहुत से चैनल पहले बनाया था, काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला था, लेकिन कुछ गलतियाँ होने के कारण हमारा चैनल सस्पेंड हो गया था, जो कि 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर थे। 2-3 चैनल मेरे थे जो कि प्रजापति ब्लॉग के नाम से था, लेकिन अब यह जो है हम शिव गुरुदेव महाराज के, जो कि भोलेनाथ के नाम पर यह चैनल का नाम रखे हैं, जो कि महादेव ऑफिशियल प्रयागराज, जो कि यहां पर महादेव भी हैं और जो है प्रयागराज का भी, जो कि संगम त्रिवेणी का। या मतलब मैंने बहुत दिनों के बाद सोचा, उसके बाद फिर मैंने यह नाम रखा, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि प्रजापति ब्लॉग प्रयागराज नाम रखने का, तो फिर लेकिन मैंने सोचा नहीं, और अब की कुछ हट के नाम रखते हैं और कुछ यूनिक दिखाते हैं, कुछ अच्छा दिखाते हैं। पहले तो मैं ट्रेवलर्स का ब्लॉग दिखाता था, और लेकिन अब हम क्या दिखाएंगे, अपने गांव देहात का सीन दिखाएंगे, और जो है गांव देहात का सीन दिखाएंगे। उसके बाद कहीं पर जाते हैं घूमने टहलने या फिर कोई दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की भी वीडियो मैं दिखाऊँगा। तो हमें ऐसा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो एक मैं गांव से बिलोंग करता हूं दोस्तों, अगर आप लोग हमारा सहयोग करोगे, हमारा सपोर्ट करोगे, तो हम भी बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन कुछ कारण होने के मतलब कुछ दिक्कतें होने के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना सका। तो अब मैं ब्लॉग चालू कर दिया हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और अपने भाई राम सिंह प्रजापति को सपोर्ट करें। और मैंने अपने फेसबुक का लिंक भी दे दिया है अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूट्यूब का भी लिंक, सॉरी इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, सारी लिंक दे दिया। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें सोशल मीडिया के सहायता से आप बात कर सकते हैं। बाकी बहुत ही जल्दी हम आप लोग के बीच में बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।